ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ। ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଶେଷରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଦ୍ୱୀପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୁଲବୁଲ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 120 କିଲୋମିଟର। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲର ସମୟ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ପବନ ଓ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କୋଲକାତା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଭିର ଘୋଷାଲ। ଅଭିର, କ୍ୟା ସୂଚନା ଅଭି ଆ ରହି ହେ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କର ଚୁକା ହେ, ଯୋ ସୂଚନା ଅଭି ଆ ରହି ହେ, କ୍ୟା କୁଛ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ମିଲ ରହା ହେ? ଔର କ୍ୟା ପବନ କା ଯୋ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ହେ ଯୋ ବତା ଜା ରହା ହେ, କ୍ୟା ହେ ଅଭି ସ୍ଥିତି କ୍ୟା ହେ? देखिए, भारी वर्षा से जो वर्षण अभी भी शुरू हो गई है पूरी तरह से कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बंगाल में जो 7 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है उसी में ईस्ट मिदनापुर, साउथ 24 परगना या नॉर्थ 24 परगना जहां पर है उसी में सबसे ज्यादा इसका हालत बहुत खराब हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर से जो हम लोगों को जो खबर मिल रही है, 1,60,000 जितने सारे आदमी को लेके थे वह किसी को कोस्टल एरिया से बहुत दूर कोई सेफ प्लेस पर ले जाने की कोशिश अभी भी कर रहे बंगाल सरकार की तरफ से। पूरी तरह से एयरपोर्ट क्लोज थे कल सुबह 6 बजे तक। अगर ये हालत सही नहीं हुआ तो एयरपोर्ट और भी ज्यादा समय के लिए क्लोज हो जाएंगी। और पूरी तरह से खड़गपुर भद्रक सेक्शन, इधर सियालदा डिवीजन की सियालदा जो से जब जाती है सुंदरबन की तरफ डायमंड हार्बर लखीकंतपुर नामखाना, इसी तरह से पूरी ट्रेन लाइन पूरी तरह से बंद हो गई है। ये पूरी तरह से जो स्ट्रॉम एंड उसके साथ जो जितने सारे से ये बारिश हो रही है इसके लिए कुछ ही समय पहले हम लोगों के पास खबर आया कि जो सागर आइलैंड जहां पर है उसी के पास अभी जो हवा की जो स्थिति है ये लगभग 110 किलोमीटर पर आवर जा रही है। और कुछ ही समय पहले अलीपुर ऑब्जर्वेटरी वेदर ऑफिस से ये भी कहा है जितने समय आगे जाएंगी इसके विंड स्पीड जितनी भी ज्यादा होगी, कलकत्ता शहर में भी अभी 70 किलोमीटर पर आवर के आसपास में ये अभी हवा चल रही है। और जो कोस्टल 120 किलोमीटर पर आवर इसका विंड स्पीड आप बता रही है, कितनी देर तक रहेगा? अभी जो लैंडफॉल तो कर चुका है लेकिन इसका जो प्रभाव है कितनी देर तक रहेगा, इसके बारे में क्या सोचना आ रही है? ऑब्जर्वेटरी की तरफ से कहना ही है ये जो 8 बजे से 11 बजे तक ये पूरी तरह से ये विंड स्पीड जाएगी इसकी तरफ से। और अभी जो स्पीड है स्पीड ज्यादा भी ज्यादा हो जाएगी, 135 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो सकती है। तो इसलिए सोच रहे एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज्यादा अगर हो जाए तो पूरी तरह से जो हालत है पूरी तरह से खराब होना शुरू हो जाएगी ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। अविर, किस किस एरिया में आप ज्यादा हवा बोल रहे हैं या फिर बारिश, किस किस एरिया ज्यादा प्रभावित हुए हैं आपके हिसाब से, क्या सोचना है इसके बारे में? देखिए, पूरी तरह से कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है ये जो ईस्ट मिदनापुर, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और बे और गैंजेस के दो साइड पे रहे, हावड़ा है, कोलकाता है और हुगली भी है। उसके साथ साथ नदिया डिस्ट्रिक्ट, ये 7 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। सबसे ज्यादा इफेक्टेड अभी जो खबर मिल रही है साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर। तो सुरक्षा के बात करें और रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो किस तरह से आप देख रहे हैं अभी वहां पे जो लोग हैं उन लोगों को किस तरह से इवैक्यूएशन किया जा रहा है और फिर क्या हालात है अभी वहां के? देखिए, अभी 1,60,000 आदमी को इवैक्यूएशन का काम पूरी तरह से हो गई है सरकार की कहना है। एनडीआरएफ के 17 टीम अभी भी मौजूद है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, उसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड फेजरगंज और हल्दिया और पारादीप में भी है और इसके साथ साथ नेवल जो एयरक्राफ्ट वो भी मौजूद है। लेकिन कहीं जगहों पर इलेक्ट्रिक पोल उसके साथ जो जितने सारे पेड़ है वो गिर गई है, इसलिए इसी टीम को उसी इलाका में जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोस्टल एरिया में जिस तरह से बारिश और उसके साथ साथ जिस तरह से ये हवा चल रही है उसके भी काम करने के लिए बहुत उसको भी मुश्किल हो रही है काम करने के लिए। तो अभी रात का टाइम है और रात के टाइम पे लैंडफॉल करना और उसके हिसाब से आप बोल रहे हैं कि बारिश भी ज्यादा हो रही है और विंड स्पीड जो बता रहे हैं आप 120 किलोमीटर पर आवर है, तो उस हिसाब से जो लोग हैं वो किस हालत में अभी है?
देखिए जितने सारे लोग ये कोस्टल लाइन पर थे उसी सबको लेके गई है साइक्लोन और फ्लड सेंटर में, और इसी नंबर है 1,60,000 के आसपास। लेकिन जैसे हवा चल रही है उसी से, और अलीपुर ऑब्जर्वेटरी के कहना है ये हवा की जो गति है वो थोड़े टाइम में और भी ज्यादा होगा, तो इसके साथ साथ और भी अफेक्टेड एरिया और जितने सारे आदमी है उसके साथ साथ घर इसका अफेक्टेड होने का ज्यादा भी ज्यादा हो जाएगी, यही कहना है ऑब्जर्वेटरी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहित थे आम प्रतिनिधि पश्चिमबंग प्रतिनिधि अवेर घोषाल थे। सविशेष किभली भाव में वर्तमान स्थिति रही से संपर्क में आमको अवगत कराते एक्सक्लूसिव विजुअल आपड़ वर्तमान देखुं टीवी स्क्रीन रे जहां लैंडफॉल करी बात्या बुलबुल और लैंडफॉल पर किभली भाव में वर्तमान स्थिति रही तार चित्र आम आपको देखाऊ। भयंकर सामुद्रिक झड़ शेषे स्थलभाग छुईपाग विभाग पक्ष दी सूचना अनुसार पश्चिमबंगर सगर द्वीप में लैंडफॉल करी बात्या बुलबुल एवं जोभली भाव में प्रतिनिधि पश्चिमबंग प्रतिनिधि सूचना देते वर्तमान जार पवन रेग जहाँ रही घंटा प्रति 120 किलोमीटर वर्तमान पवन रेग रही बर्षा तेरे बात्या प्रभाव में पश्चिमबंगे अधिकांश स्थान में प्रबल प्रबल वर्षा होवं जहां लैंडफॉल समय प्राय 3 घंटा रही सूचना आसुच्छी।